बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस लाहौर। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स विल बी फाइन एट होम। इन आवर इंग्लिश सिलेबस टू यूनिट्स आर इंक्लूडेड, बट टुडे वी विल रीड अबाउट यूनिट 13, द विंड इन द विलोज। दिस इज योर ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 2, पेज 74, यूनिट 13, द विंड इन द विलोज। रीड द वर्ड्स एंड डिस्क्राइब द पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आ मॉल, जैसे मॉल की पिक्चर है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है पूरा। सेकेंड पर है पिस्टल, थर्ड पॉटर रेड, फोर्थ फुटप्रिंट्स, फाइव अ बैजर, सिक्स अ होलो इन अ ट्री। अब आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी पर करना है, जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, आपने कॉपी वर्क करने से पहले आपने यहाँ पर एक पेज पर अपनी कॉपी पर टैगिंग करनी है। उसमें आपने बाउंड्रीज जो है वो रेड से करनी है। यूनिट 13, द विंड इन द विलोज, रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और टेस्ट। आपने इस तरह से टैगिंग को अपनी कंप्लीट कर लेना है। फिर आपने टॉपिक लिखना है। टॉपिक है द विंड इन द विलोज। रीड द वर्ड्स एंड डिस्क्राइब द पिक्चर्स। अ मोल, सबसे पहले हम मोल के बारे में पढ़ेंगे कि मोल एक जानवर है और वो कैसा होता है। अ मोल इज अ वेरी अ ग्रे एनिमल्स एंड हैज अ पिंक नोज। वो ग्रे कलर का जानवर है और उसकी नोज जो होती है वो पिंक होती है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, दुम लंबी होती है, एंड फोर शार्प टोज, और उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। ऑन ईच फुट, पाँव पर, पाँव का जो अगला हिस्सा होता है इसको हम टोज बोलते हैं। अ पिस्टल इज अ गन। पिस्टल जो है गन होती है। इट हैज़ अ वुडन हैंडल, उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। एंड अ मेटल बैरल, और उसका जो बैरल होता है वो मेटल का बना होता है। अ वाटर रैट इज अ ब्राउन एनिमल। वाटर रैट जो है वो ब्राउन भूरे रंग का जानवर है। इट हैज़ अ लॉन्ग थिन टेल, उसकी लंबी और पतली दुम होती है, एंड राउंडेड ईयर और गोल उसके कान होते हैं। फुटप्रिंट्स आर द मार्क ऑन द ग्राउंड विच आर मेड बाय द फीट। फुटप्रिंट्स होते हैं वो आपके निशान होते हैं जो आपके ग्राउंड या मट्टी वाली जगह पर पाए जाते हैं। ये आपके फुटप्रिंट्स हैं। आपने इस तरह से पिक्चर्स भी साथ बनानी है इनकी। अ बैजर इज अ वाइट एंड ग्रे एनिमल। बैजर जो होता है वो वाइट और ग्रे रंग का जानवर होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग थीन नोज, उसकी पतली और लंबी नाक होती है, एंड अ शॉर्ट टेल, और छोटी दुम होती है। सिक्स है अ होलो इन अ ट्री। ट्री में जो होल है उसके बारे में बात हो रही है। अ होलो इज अ होल इन द ट्री ट्रंक। ये दरख्त के तने में जो एक होल होता है उसको हम कहते हैं होलो। एनिमल एंड बर्ड्स कैन हाइड इन इट। जानवर और पिंदे इसको इसमें अपने इसके अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं। नाउ वी कम टू द गेन बुक। लिसन एंड कम्प्लीट द लेटर। यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है, उसमें आपने उसको फिल करना है। डियर सारा एंड अली, आई एम सो ग्लैड यू आर गोइंग टू स्टे विद अस इन लाहौर इन द समर हॉलीडेज। वट वुड यू लाइक टू डू? वुड यू लाइक टू गो आउट अ लॉट, और वुड यू लाइक टू स्टे एट होम एंड वॉच डीवीडीज? इट विल बी हॉट, सो वी माइट गो आउट इन द अर्ली मॉर्निंग और इन द इवनिंग। वुड यू लाइक टू गो टू द शालीमार गार्डन्स? दे आर वेरी ओल्ड एंड ब्यूटिफुल, एंड वी माइट हैव अ पिकनिक देयर। और वुड यू लाइक टू गो टू जहांगीर स्टॉम? इट वॉज वेरी नियर, इट्स वेरी नियर द बादशाही मॉस्क एंड अनारकली, सो वी माइट विजिट दैम ऑन द सेम डे। Do write and tell me what you would like to do, and I can make some plans. Much love, Auntie Farida. Use the words with IE, IGH or Y to make the words the sound is the same. Example: One fine night, a stupid burglar went out to steal things from a nearby house. Be careful, said his wife. You might make a noise if you do say meow. Then the people in the house might think you are a cat. They won't be frightened, and you will have time to steal their things. All right, said the burglar. I will try to remember. The burglar crept through the windows of the near house. Then he dropped his bag. Crash. Who's that? Shouted a man from upstairs. Brothers, thought the burglar, why did I drop my bag? What did my wife say? Then he remembered. It's all right, he shouted, it's only the cat. See, look at the words in the glossary.
राइट द पास्ट टेंस ऑफ ईच वर्ब एंड देन यूज देम इन द सेंटेंसेस. आपने हर वर्ड का पास्ट टेंस में यहाँ पर लिखना होगा. फर्स्ट है हमारे पास द रेन पैटर्ड ऑन द रूफ, वी रश्ड टू गेट द ट्रेन, द सन डिसअपीयर्ड व्हेन नाइट फेल, द विंड व्हिसल्ड इन द ट्रीज, द रनर डॉज्ड राउंड अ ट्री. पेज 76 यूनिट 13 लेसन 3 रीडिंग द वाइल्ड विलो. यहाँ पर हम वाइल्ड पेज 76 यूनिट 13 लेसन 3 द वाइल्ड वुड. इस लेसन में हम जंगली दरख्त के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रैट और मोल की स्टोरी सुनाऊंगी. इस स्टोरी में मोल और रैट की बात की गई है. रैट और मोल बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और वो दरिया के किनारे एक हॉल में रहते हैं. वो कभी भी वाइल्ड वुड नहीं गए. रैट का एक और दोस्त भी होता है जिसका नाम बैजर होता है, वो वाइल्ड वुड में रहता है. लेकिन मोल इसको नहीं जानता. वो कहता है मुझे मिस्टर बैजर से मिलना है. बट रैट कहता है कि वो बहुत शर्मीला है, वो ये सब पसंद नहीं करेगा और वो वाइल्ड वुड में रहता है. रैट कहता है कि अभी समर है, हम विंटर में जाएंगे. फिर एक दिन क्या होता है कि रैट सो रहा होता है और मोल वाइल्ड वुड की तरफ निकल पड़ता है. और जब वो वाइल्ड वुड पहुंचता है तो उसे वहां पर बड़े बड़े ट्रीज नजर आते हैं और वो जहर वहां पर तारीखी छाई होती है. जैसे वो आगे कदम बढ़ाता है तो पीछे से उसे आवाजें आना शुरू हो जाती हैं. और जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता. वहां पर बड़े बड़े दरख्त होते हैं और उन दरख्त के अंदर इवल फेसेस नजर आते हैं उसको. और इसी तरह आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि मोल यहां से गुजर रहा है और यहां पर इवल फेसेस उसको नजर आ रहे हैं. फिर वो आगे जाता है और चीजों से टकराता हुआ वो भी इस ट्री के अंदर ही चला जाता है होल में. और उसको वो इवल फेसेस देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और उसको समझ नहीं आती वो क्या करे. और इसी डर से वो उसके ट्री के अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर गुम हो जाता है. उसको पता नहीं चलता कि वो बाहर कैसे निकले. वो घर तो जाना चाहता है लेकिन उसे वापस का रास्ता नहीं मिलता और वो वहीं गुम होकर रह जाता है. नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज. रीड द सेंटेंस एंड सर्कल द करेक्ट एंडिंग. चूज ए बी सी और डी. एग्जाम्पल में इन्होंने दिखाया गया मिस्टर बैजर लिव्ड बाय द रिवर नियर द वाइल्ड वुड इन द वाइल्ड वुड नियर रैट्स आउट. जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि मिस्टर बैजर जो है वो वाइल्ड वुड में रहता है, इसलिए हम पार्ट सी को सर्कल करेंगे. फर्स्ट है मॉल वॉन्टेड टू स्लीप बाय द फायर हाइड इन अ हॉल गेट लॉस्ट इन द वुड मीट मिस्टर बैजर. मॉल क्या चाहता था, वो मिस्टर बैजर से मिलना चाहता था, इसलिए हम डी को सर्कल करेंगे. सेकेंड में है रैट वॉन्टेड टू. अब रैट क्या चाहता था, फर्स्ट गो टू वुड स्टे एट होम क्लाइंब अ ट्री हाइड इन अ होल. रैट चाहता था कि हम घर पर ही स्टे करें, स्टे एट होम पर सर्कल करेंगे. थर्ड इन द वुड मॉल थॉट ही सा आ इवल फेसेस फ्रेंडली फेसेस गुड फेसेस काइंड फेसेस. जब मॉल वाइल्ड वुड में गया था तो उसने वहां पर क्या देखा था, इवल फेसेस देखे थे, इसलिए हम इवल फेसेस को सर्कल करेंगे. फोर्थ ही हेयर्ड विसल पैटरिंग विस्लिंग एंड पैटरिंग. यहाँ पर हम विस्लिंग और पैटरिंग को सर्कल करेंगे. फिफ्थ है ही फेल्ट शाय फ्राइटेंड प्लीज्ड एंग्री. यहाँ पर मॉल की बात की गई है कि उसने क्या महसूस किया जब वो वाइल्ड वुड गया था तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम फ्राइटेंड को सर्कल करेंगे. पेज 78 यूनिट 13 लेसन 4 लेसन 13 का यूनिट 4 पढ़ेंगे. लुक एट द पिक्चर आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द सीजंस. पिक्चर्स को देखते हुए आपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं अबाउट द सीजंस, मौसम के बारे में. फोर पिक्चर्स दी गई हैं. व्हाट इज द वेदर लाइक इन स्प्रिंग समर ऑटम विंटर. अब आपने आगे बताना है इट इज कोल्ड कूल वार्म हॉट. यह आप लोग खुद अपने पेरेंट्स की मदद से करेंगे. पार्ट बी में आ जाता है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ब्स. वर्ड बैंक दिया गया है वर्ब्स का, आपने इसमें ब्लैंक्स में इसको पुट कर देना है. फर्स्ट में है व्हेन ही लेफ्ट द हाउस ही स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द वाइल्ड वुड. सेकेंड देयर सीम्स टू बी इवल फेसेस इन द होल्स. उसने इवल फेसेस कहाँ देखे थे, होल्स में. थर्ड है ही ट्राइड टू गेट आउट ऑफ द वुड बट ही वॉज लॉस्ट. वो कोशिश कर रहा था कि वो उस वुड से बाहर निकले लेकिन वो वहां पर गुम हो चुका था. फोर्थ है फर्स्ट ही हियर्ड सॉफ्ट विस्लिंग एंड देन इट स्टार्टेड टू गेट लाउडर. फिफ्थ मोल स्टार्टेड टू रन टू. मोल जो है उसने भागना शुरू कर दिया था. सिक्स ही वॉन्टेड टू गो होम. मोल जो है वो घर जाना चाहता था. पेज 79
यूनिट 13 लेसन 5 वर्ड्स एंड फोनिक्स. सम वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स. कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उसके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं. चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम ईच बॉक्स. अब आपने हर बॉक्स में से करेक्ट स्पेलिंग्स वाले वर्ड को चूज करना है. फर्स्ट पर है हेयर. हेयर इज अ फ्लावर फ्लोर फॉर यू. तो यहाँ पर है हेयर इज अ फ्लावर फॉर यू. सेकेंड देयर देयर केक इज मेड ऑफ एग्स शुगर एंड फ्लावर फ्लोर. तो यहाँ पर आएगा देयर केक इज मेड ऑफ एग्स शुगर एंड फ्लोर. थर्ड है प्लीज मे आई हैव अ पीस ऑफ केक आफ्टर आई फिनिश माई मीट. विल यू मीट मी ओवर देयर एट 6 o'clock. सेकेंड है मेक द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स बाय एडिंग डिस और अन. आपने यहाँ पर इनके ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं और उसमें ऐड करना है डिस और अन को. फर्स्ट है व्हेन यू डू नॉट लाइक पीपल यू डिसलाइक देम. अब यहाँ पे जैसे हमने किया है ये हमारे पास एक वर्ड था उसका हमने ऑपोजिट लिखा है डिसलाइक. तो यहाँ पर डिसलाइक लिखेंगे. व्हेन पीपल आर नॉट फ्रेंडली दे आर अनफ्रेंडली. व्हेन सम थिंग्स अपीयर्स यू कैन सी इट बट व्हेन इट डिसअपीयर्स यू कांट. When people are not well, they are unwell. When a room is not tidy, it is untidy. When you obey people, you do what they tell you. What you disobey, you don't. Page 80, Unit 13, Lesson 6, The Wind in the Willows, 2 Saved. ये आप इसका second part है. पहले मैंने आपको story सुनाई थी उसका ending जो है मैं आपको बताती हूँ. जब मोल जो है वो वहाँ जाकर गुम हो चुका था और उसको रास्ता नहीं मिल रहा था वापस आने का, तब ब्रैड की आंख खुली और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि मोल घर पे कहीं भी नहीं है. उसने फिर किचन में देखा, उसको आवाज़ दी मोली मोली बट आवाज़ आंसर नहीं मिला. फिर रेड जब डोर ओपन करके बाहर गया तो उसको वहाँ पर मोल के फुटप्रिंट्स नज़र आए और वो वाइल्डवुड की तरफ जा रहे थे. रेड ने अपने साथ एक पिस्टल ली और एक स्टिक्स ली और वो भी वाइल्डवुड की तरफ निकल पड़ा. जैसे ही वो वाइल्डवुड की तरफ जाता रहा वहाँ पर तारीकी छा गई और उसको इवल पे फेसेस जो है वो नज़र नहीं आए क्योंकि उसने अपने हाथ में पिस्टल और स्टिक पकड़ी हुई थी इसलिए वो गायब हो गए. जब उसने वहाँ जाके आवाज़ें लगाना शुरू की मोली मोली ही कॉल्ड वेयर आर यू, लेकिन वहाँ पर उसको कोई आंसर नहीं मिला. इतने में थोड़ा सा जब वो आगे गया तो उसको किसी के रोने की आवाज़ आई. उसने कहा मोली आर यू हेयर. मोली ने आगे से कहा जी यस इट्स मी. फिर आगे से ब्रैड जो था उसने कहा कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ मत आना. अब तुम मुझे मिल गए हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. मेरे साथ आओ हम दोनों घर चलते हैं. इसलिए स्टूडेंट्स आपको भी चाहिए कि आप बगैर बताए अपने पेरेंट्स से पूछे बगैर घर से बाहर मत निकला करें. जैसा कि आपने स्टोरी में देखा कि रेड की बात जो है वो मॉल ने नहीं मानी थी और वो इसीलिए प्रॉब्लम में आ गया था. तो आपको भी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स की बात को माना करें और उस पर अमल किया करें. बी कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए उनको हमने कंप्लीट करना है. ये उसके बाद है मैच दीज एडजेक्टिव्स टू एनिमल्स इन द स्टोरी लेसन 3 and 6. आपने इनको मैच करना है. ये सब काम हम अपनी कॉपी पर करेंगे, बुक पर नहीं करेंगे. कॉपी पर करने के लिए सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे द विंड इन द विलोज फोकस कंप्लीट द सेंटेंसेस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रेड न्यू दैट मॉल वॉज नॉट इन द हाउस. मॉल्स कैप वॉज नॉट इन ऑन इट्स पैड. सेकेंड है रेड न्यू दैट मॉल वॉज इन द वाइल्डवुड because moth's footprints led straight to the wildwood. Third, the little faces in the hole disappeared because they were frightened of rat sticks and pistol. Rat found it mole in the tree because he followed the sounds of mole's cry. Fifth, rat was not angry with mole because he was happy to find the mole. वो नाराज नहीं हुआ था उसको ढूंढकर बल्कि खुश हुआ था. सेकेंड पे मैंने आपको बताया था कि मैच द एडजेक्टिव्स टू द एनिमल्स इन द स्टोरी. यहाँ पे एडजेक्टिव की मदद से आपने ये इसको एनिमल से मैच करना है. लाइक ब्रेव रैट वॉज ब्रेव. इवल मोल्स आर द इवल फेसेस. शाय बैजर वॉज शाय.
काइंड रेड वॉज काइंड टायर्ड मॉल वॉज टायर्ड. स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. यूनिट 13 जो हमने कंप्लीट कर लिया है. यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन नेक्स्ट 10 डेज. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हैं. आप होमवर्क करने में अपनी मदर या किसी बड़े की मदद ले सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि तमाम कॉपी वर्क आप अपने स्कूल की नोटबुक पर करेंगे जिन पर ऑलरेडी आप अपने स्कूल का काम कर रहे थे. इसके मार्क्स आपके एनुअल में ऐड होंगे. और YouTube पर अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पर वीडियोस मिलती रहें. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस लाहौर.